आज हमारे जवान अरुणाचल को चाइना के कंट्रोल में जाने से रोकने में जुटे हुए हैं और हम में से ही कुछ लोग कहते हैं कि अरुणाचल तो चाइना का हिस्सा है। दो दिन पहले इस यूट्यूबर ने जो किया उससे मैं जेन्युइनली परेशान शर्मिंदा हूँ, गुस्सा हूँ। Here's a full story। अरुणाचल प्रदेश के एक MLA ने हमारे PM को एक रिक्वेस्ट की थी कि बैटल ग्राउंड नाम का जो गेम है वो भारत में लॉन्च ना करें। उनका ओपिनियन शायद सही हो सकता है, शायद गलत हो सकता है, लेकिन पारस ने अपने YouTube चैनल पर इसका जो रिएक्शन दिया वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फ़ोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हों, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं हूँ उनसे। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो 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 हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीस सिटीज़ हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहना तो आम बात है, सब लोग कहते हैं। ये स्टेटमेंट्स काफी रीजंस के लिए प्रॉब्लमेटिक है, रेसिस्ट है, और सिर्फ अरुणाचल के उस लीडर पर नहीं, अरुणाचल पर और पूरे भारत पर एक पर्सनल अटैक। पारस ने बाद में एक अपोलॉजी वीडियो भी बनाया, बट आई डोंट थिंक ही अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A, 153A, 5052 के अंडर केस फाइल, और उसे पुलिस ने उसके घर से हिरासत में भी लिया। आई एम श्योर कि लॉ एक फेयर एक्शन लेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आज पारस था कल सरस होगा। जब तक हमारी सोच नहीं बदलती तब तक भारत नहीं बदलेगा। लेकिन आज मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अगर आपको मेरी बात समझती है, अच्छी लगती है, तो इसे हर भारतवासी तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए, ताकि ये गलती वापस ना। बात सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक हिस्सा है और ये देश जितना मेरा है उतना ही उनका भी है। लेकिन ये सीधी बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ने भारत को दिया ही क्या है। मिस इन्फॉर्मेशन, रेसिज्म और एलियनेशन को अगर डिफीट करना है तो नॉर्थ ईस्ट को खुले दिल से अपनाना होगा। सो लेट मी टेल यू वन बाय वन कि नॉर्थ ईस्ट ने भारत को क्या दिया। असम, असम है इसलिए भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह है जहां ये वन हॉर्न्ड राइनो पाया जाता है, और सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का लार्जेस्ट वन हॉर्न्ड राइनो पॉपुलेशन असम में। आप चाय तो पीते होंगे, आप नहीं तो आपके घर में कोई ना कोई तो चाय पीता होगा। भारत का 52% चाय असम से आता है, आधे से ज्यादा, यानी नॉर्थ ईस्ट नहीं तो चाय नहीं। मेघालय है इसलिए एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज भारत में। मेघालय में सीक्रेट फॉरेस्ट होते हैं जहां बाहर की कोई भी वस्तु आ नहीं सकती और वहां की एक भी वस्तु बाहर जा नहीं सकती। लोकल्स मानते हैं कि नेचर भगवान का रूप और वो जंगल की पूजा करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए मेघालय में इतने घने जंगल हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं तो ये हरियाली भी नहीं, त्रिपुरा नहीं तो आरडी बर्मन ने। आरडी और एसडी बर्मन भारत के लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स हैं, आपने नहीं तो आपके माता पिता ने उनके गानों पर डांस जरूर किया होगा। त्रिपुरा नहीं तो ओलंपिक्स में भारत ने, दीपा कर्माकर भारत की पहली फीमेल जिमनिस्ट है जिन्होंने 2016 के समर ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन जिमनास्टिक चैंपियनशिप्स में उन्होंने भारत के लिए मेडल्स भी लाए। अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं तो ये मेडल्स भी नहीं। मणिपुर नहीं तो मैरी कॉम नहीं। मैरी कॉम के पास बॉक्सिंग में इंटरनेशनल लेवल पर 13 गोल्ड मेडल्स है। वो 3 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप रह चुकी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फेमिनिज्म और मणिपुर का एक नाता है। इम्फाल में एक ऐसा मार्केट है जो सिर्फ एक विमेंस ओनली मार्केट है। अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं तो फेमिनिज्म की एग्जांपल्स भी नहीं। पूरे भारत में मिजोरम एक ही ऐसा स्टेट है जिसका 90% से भी ज्यादा लैंड फॉरेस्ट में कवर्ड है। और तो और, मिजोरम में ऐसे दुकान है जो सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पर चलते हैं, वहां कोई शॉपकीपर नहीं होता, लोग आते हैं, चीजें लेते हैं और पैसे रख कर जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट नहीं तो ये अनबिलीवेबल कल्चर नहीं। दुनिया की स्पाइसीस्ट चेरी भूत जलोकिया नागालैंड में पाई जाती है। ये नजारे यूरोप के नहीं भारत के हैं। खोनोमा विलेज एशिया का पहला ग्रीन विलेज है। यहाँ सदियों से हंटिंग चली आती थी, लेकिन ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। जब यहाँ के लोकल्स को पता चला कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो सकती है, तब उन्होंने खुद से ये प्रैक्टिस रोक दी। लोग कहते हैं कि भारत के लोग ठीक स्कर्ड होते हैं, उनके दिमाग में बात घुसती नहीं, लेकिन इस गांव के लोगों ने उन्हें गलत साबित किया है। नॉर्थ ईस्ट नहीं तो ये नजारे नहीं। सिक्किम एक कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ पर कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करता, सब नेचुरली ग्रो होता है। प्लस सिक्किम में सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैंड है। हमारे फुटबॉल टीम के न जाने कितने प्लेयर्स इंक्लूडिंग कैप्टन सिक्किम से आते हैं, यानी अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं तो फुटबॉल नहीं। कितना भी ट्राई कर लूं ये लिस्ट पूरी नहीं होगी, और इस बात की मुझे खुशी है। आप मुझे बताइए कि मैंने क्या मिस आउट किया नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट के अमेजिंग कल्चर के बारे में लोगों को और बता पाए। क्या है जो नॉर्थ ईस्ट को और एज ए रिजल्ट भारत को इतना स्पेशल बनाता है? एंड अरुणाचल, अरुणाचल के बारे में क्या बोलूं? ये एक ऐसा प्रदेश है जो चाइना भी हमसे छीनना चाहता है, लेकिन वहां के लोग
पूरी तरह से भारत के। कहते हैं जब एक बार चाइना ने अरुणाचल पर हमला किया तो वहां के विलेजर्स ने घर के बर्तन लिए और चाइना के अगेंस्ट भारत को डिफेंड किया। और क्या प्रूफ देना होगा नॉर्थ ईस्ट को ये बताने के लिए कि भारत उनका भी देश है। तो जब कोई कहता है कि जस्ट बिकॉज ये स्टेट्स भारत के एक कोने में, जस्ट बिकॉज वहां के लोग थोड़े से अलग दिखते, जस्ट बिकॉज वो खुद इन ब्यूटीफुल स्टेट्स के बारे में और वहां के ब्यूटीफुल लोगों के बारे में जानते नहीं है कि अरुणाचल या भारत का कोई भी हिस्सा भारत का पार्ट नहीं है, तो हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं पूरे भारत की इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे इंसिडेंट सिर्फ एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग यानी पानी के अंदर होने वाला बर्फ का एक पहाड़ जिसकी सिर्फ टिप विजिबल होती है, लेकिन अंदर से ये इतना बड़ा होता है। ये इंसिडेंट्स कैजुअल रेसिज्म का एक ऐसा इंसिडेंट है जो हमारे सामने आया है, हमें दिखा है, लेकिन ऐसी कई बातें होती है जो हम तक पहुंचती नहीं। पिछले साल लॉकडाउन के समय कर्नाटका में एक नॉर्थ ईस्ट की लेडी को दुकानदार ने दुकान में लेने से ही इनकार कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से वो एक चाइनीज वायरस भारत से नहीं। प्लीज याद रखिए कि हमारा ये वीडियो पारस पर पर्सनल अटैक करने के लिए नहीं है, हमारा ऑब्जेक्शन मेंटालिटी से, और शायद ये मेंटालिटी और भी कई लोगों में। ये यूट्यूबर हमारे समाज का एक आईना है, एक ऐसा समाज जहाँ पर कैजुअल रेसिज्म चलता है, किसी के अपीयरेंस से उन्हें चिंकी, नेपाली, चाइनीज, हाका नूडल कहना चलता है, उनके मन में देश के लिए कितना भी प्यार हो लेकिन जानबूझकर उन्हें हमसे दूर रखना चलता है। कल्प्रिट ये कल्चर है जो हमें एक लाइन ड्रॉ करना सिखाता है और हमारे ही लोगों को हमसे पराया करता है। 2019 में हमने हमारे 100 रीजंस टू लव इंडिया की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से की थी क्योंकि हमें दिखाना था कि भारत का कल्चर कितना यूनिक है, कितना डिफरेंट। नॉर्थ ईस्ट में जब हम थे तब सिर्फ और सिर्फ हमें प्यार ही मिला। अगर आप भी नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो वहां के लोग आपको खुले दिल से ही अपनाएंगे। तो अगर आपको हमारी बातों में दम लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ऐसे इंसिडेंसेस कम होने के लिए लोगों को रिमाइंड करना जरूरी है कि ये सब ये सब भारत को नॉर्थ ईस्ट ने दिया। आज इस वीडियो के थ्रू मुझे आपसे कहना है कि ऑलरेडी फॉरेन पावर्स हमारे टुकड़े करना चाहती है। अगर हम अंदर से ही खोखले होने लगे, अपने ही लोगों को दूर करने लगे तो उनका काम तो आसान हो जाएगा। कभी ना कभी तो ये कैजुअल रेसिज्म रुकना ही होगा, एकदम से नहीं तो एक एक से ही सही, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।